सारा रास्ता बंद पड़ा हुआ है, सब रुके हुए हैं क्योंकि रोड्स आर क्लोज्ड। भाई साहब थोड़ा आगे निकलो भैया, निकलो आ जाओ भैया। हम इस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से हमको बस पकड़नी है अपनी कसौल के लिए। बट मैं थोड़ा जल्दी आ गया तो मैं यहाँ पे चाय उसमें बैठ के अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, जो कि मुझे अभी डालना भी है। हमारी ऑलमोस्ट आने वाली, कुछ खाने पीने कर ले लेते रास्ते के, यहाँ से चलना पड़ेगा। तो अभी जो बल्लू का टीला है यहाँ पे, हम बस के सामने में खड़ा हूँ और ये पूरी तैयार है और निकलते हैं बस थोड़ी देर। तो अभी बस रुकी है फॉर डिनर स्टॉप। हम रुके हैं टेस्ट ऑफ इंडिया पे, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अराउंड 3-4 घंटे से गाड़ी चल रही थी। थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और खाते पीते हैं फिर निकलेंगे। तो पहाड़ों पे तो हम पहुंच चुके हैं, सामने हमारे पार्वती नदी बह रही है और जो पानी की जो आवाज़ है वो बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे किसी स्टॉप के लिए नहीं रुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे रोड क्लोजर है और शायद 1-2 घंटे आपको लगेंगे, इसके बाद ही रास्ता खुल पाएगा। और सुबह से उठते मुझे एक और सरप्राइज़ मिला, देखिए ये चश्मा तो गया। खैर मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंस है तो काम चल जाएगा अपना। सारा रास्ता बंद पड़ा हुआ है, सब रुके हुए हैं क्योंकि रोड्स आर क्लोज्ड। अभी हम मंडी से थोड़ा सा आगे और यहाँ से अराउंड 85 किलोमीटर दूर है और है अभी कसौल, तो अभी तो लग जाएंगे 2-3 घंटे वैसे जाने में, और इसको खुलने में 2-3 घंटे लगेंगे, तो 4-5 घंटे बोलेंगे। 10 बजे तो हम शायद पहुँचने वाले हैं। मैं ड्रोन लेके आया हूँ, सोच रहा हूँ अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रोन भी डालूँ, कुछ अच्छे से शॉट्स आ जाएँ, क्योंकि जो ये बादल ऊपर बड़ा सेक्सी सा लग रहा है। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि ड्रोन उड़ा जाए, तो लगता है हम खुल गया है, बस निकलने वाली है, तो हमारा ड्रोन का कॉल में उड़ेगा या नहीं उड़ता, सॉरी वेट करना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं 10:10 और अभी हम सिर्फ 10 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, मतलब अभी भी कसौल यहाँ से अराउंड 77 किलोमीटर दूर है। तो मतलब 4 घंटे में हमने सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था पूरे रास्ते में, मतलब बस चली नहीं थी, ऑलमोस्ट रुकी हुई थी पूरे टाइम पे। बट अब थोड़ी स्पीड पकड़ी है तो इसने खाने पीने के लिए रोका था, हमें थोड़ा मैंने पराठा वराठा और चाय वाय पिया, तो हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, होपफुली 2 घंटे में पहुँच जाना चाहिए, देखते हैं। पर कितना ही हमको टाइम लगा तो वादियों में बिल्कुल भी कमी नहीं है, वादियाँ अभी भी शानदार ही चल रही है। थोड़ी सी धूप है, बस में गर्मी लगने लग जाती है, पर बाहर तो मौसम ठंडा है, होपफुली जल्दी पहुँच जाए। तो हाँ जी, आखिरकार काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद हम पहुंच गए हैं कसौल में, और मैं अभी अपने होटल के रूम में। जब मैंने आपसे लास्ट बात की थी उसके बाद एक हुआ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स और सारी चीज़ें जो हमने प्लान नहीं की थी वो होनी चालू हो गई। मतलब जब आप ब्लॉग करते हैं तो कुछ चीज़ें आप प्लान करके चलते हैं कि ये चीज़ ब्लॉग में होंगी, बट उसके बाद जो सारी चीज़ें वो एकदम अनप्लान थी। तो हुआ ये कि जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे मलाना ट्रैवल से, और उसमें वैसे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी क्योंकि हमको कंबल नहीं मिल रहा था, ऐसी बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो बस ऑलरेडी लेट चल रही थी, कुछ चीज़ें तो थी। और एक सब बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें चार्जिंग जो पोर्ट है वो काम नहीं कर रहा था, तो हम फोन चार्ज नहीं कर पा रहे थे। जब लास्ट स्टॉप पर उतरे तो मैंने सोचा कि भाई चार्जिंग पोर्ट नहीं है तो भाड़ में जाए बस, हम जाएंगे दूसरी बस से, और हमने उस बस को छोड़ दिया और दूसरी बस से हम फिर वहाँ पहुँचे। बट एक प्रॉब्लम होगी, हमारा अपना जो अपना सामान थे वो भी उसी पुरानी बस में भूल गए, और उस चक्कर में हो गया काफ़ी झमेला। कहानी सही लग रही है, रियल है।
ये रियल नहीं, असली कहानी सुनाता हूँ। तो हुआ है ये, जब मैं लास्ट स्टॉप पर रुका था और वहाँ पर ब्लॉग करा था, ब्लॉग करते हुए थोड़ा लेट हो गया और जो हमारी बस थी वो हमको छोड़ के चली गई। मतलब उन्होंने चेक भी नहीं किया कि उस बस में सारे बंदे वापस आए हैं कि नहीं आए हैं, और वो मुझे छोड़ के भग गई। तो मैं जब पहुँचा तो वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद मैंने कॉल मिलाया और उसका ड्राइवर का नंबर भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने एजेंसी को कॉल किया, उन्होंने मुझे ड्राइवर का नंबर दिया। उसके बाद मैंने उससे बात की और काफ़ी देर तक, उसके बाद कोऑर्डिनेट करने के बाद हमको एट लास्ट हमारा सामान मिला। मेरा सारा सामान जिसमें कैमरा, लैपटॉप और ड्रोन, तीनों उस बस में छूट चुके थे और मेरे को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ चुका था। जो मेरा ब्लॉगिंग करियर ना वो स्टार्ट होने से पहले ख़त्म होने वाला था। तो इस मोमेंट पे तो मैं इस वीडियो में काफ़ी खुश दिखाई दे रहा हूँ। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस बंदे का भी सामान खोए हुए था, क्योंकि भाई साहब ये खुशी है सामान मिलने के बाद की। पर जब तक मेरी बस छूटी थी और मैं जब तक दूसरी बस में पकड़ के उस बस तक नहीं पहुंचा था और सामान नहीं लिया था, जो मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए थे वो मुझे ही पता। ये लड़का है पहले चक्कर अच्छा। आगे पूरे, हाँ भाई, पूरे। तो मैं तो उस टाइम पे ब्लॉग नहीं कर पाया ना, मेरे बस की है। लोग ऐसी कंडीशन में कैसे ब्लॉग कर लेते हैं मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए मेरे पास उस टाइम कोई फुटेज भी नहीं है। मतलब जहाँ पे मेरी बस छूटी थी और जब मुझे सामान वापस मिला वो अराउंड 2 से 3 घंटे का टाइम था, और उस पूरे टाइम मेरी एकदम फटी हुई थी। मतलब रास्ते में मैं खुद तो व्लॉग नहीं कर पाया, मैंने थोड़ी वादियाँ रिकॉर्ड करी, वो आप देख सकते हैं। बस एक चीज़ ये रह गई कि जिस बस ने हमको वहाँ तक पहुँचा उसको मैं ढंग से थैंक यू नहीं बोल पाया। मतलब बोला मैंने पर अच्छे से नहीं बोल पाया, उसकी वजह से मुझे सामान मिला, क्यों भगा भगा अपने सामान लेने पहुँच गया। सो सेल्फिश ऑफ मी, बट फटी हुई थी भाई, समझ सकते हैं। तो बस हमको छोड़ गई, वो तो कैप्चर भी नहीं कर पाया, तो बहुत जल्दी निकली। पर एट लास्ट मिल गया, पर हम इतना ज़्यादा लेट हो गए, ऑलरेडी हम 3-4 घंटे लेट चले क्योंकि ट्रैफिक हमको मिल रहा था पूरे रास्ते, और उसके बाद हम और भी ज़्यादा लेट हो गए। फिर तो बस से तो हम निकल गए, सारा सामान हमने वहाँ से ले लिया। अब यहाँ से हमको एक लोकल बस करनी पड़ेगी क्योंकि 7 बजे के बाद जो वॉल्वो है वो कसौल नहीं जा सकती। तो यहाँ से हमको लोकल बस में या टैक्सी में जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं लोकल बस में आते हुए, टैक्सी वाला 1300 रुपये मांग रहा है, तो वो तो नहीं दे पाएंगे। वो अभी चलते फिर भाई साहब, थोड़ा आगे जैसे यहाँ से चलो, कुछ आगे आ जाओ, आगे से भी आ जाओ। लोकल बस के भी अलग ही मज़े हैं। स्टार्टिंग में तो मज़े आ रहे थे, उसके बाद मज़ा सज़ा बन चुका था और मेरी हालत ख़राब हो गई हिल हिल के। बाद में मैं यहाँ पे ऐसे व्लॉग्स लेकर करूँ कि लाइट यहाँ पे है और फेस पे पड़नी चाहिए ना, जिससे व्लॉग में अच्छा लगे, तो इसलिए। बट एट लास्ट हम 24 घंटे सफ़र करके पहुँच गए कसौल। असली में सफ़र जिस कहते हैं ना वो हमने। तो फिर कसौल पहुँचने में मेरा प्लान तो था हॉस्टल में रुकने का, पर सारे हॉस्टलर और गोस्ट स्टॉप्स और जो भी कसौल में अवेलेबल वो ऑलरेडी बुक थे, क्योंकि मैंने पहले से बुकिंग नहीं की थी, तो वो तो हमको नहीं मिल पाया। फिर बड़े ढूंढ डांड के हमको मिला है होटल जिसमें अभी व्लॉग कर रहा हूँ, और इस होटल की मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी, रूम की मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तो ये रूम है ही शानदार, अभी तो काफ़ी फैला हुआ है, बट जब मैं आ गया अब काफ़ी शानदार था। जब से मैं आया मैं नहाया धोया और फैला वैला, तो उसमें थोड़ा ये उथल पुथल हो गया। मतलब सारी फैसिलिटीज़ तो हमको सब मिल रही है और बेड भी हमको मस्त शानदार लगे, जिसको कूदने में तो अलग मज़ा आता ही है। बट एक चीज़ जो सबसे बड़ी हमको मिली है वो है ये मिनी फ्रिज। तो लाइट तो इसमें नहीं थी, पर हमने जुगाड़ किया, ये हमने फ़ोन डाला है जिससे कि हम दिखा सके कि इसमें है हमारी 2 बियर 2 रेड बुल 2 पानी की बोतल 2 स्टिंग 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 सोडा। पार्टी का एकदम पूरा माहौल तैयार है, पर अपन तो इसमें से सिर्फ पानी पीने वाले हैं, कोल्ड ड्रिंक हम पी नहीं सकते क्योंकि जिम और सब। तो 24 घंटे का सफ़र तो हमने कर लिया, बट अब आ गया टाइम चिल करने का। नहा धो के हम एकदम तैयार, अब जाते हैं कसौल के कैफेज में थोड़ा चिल करते हैं। आज हमारा यही प्लान है, हम जाएंगे खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे, और इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक लिबा बैठे करके प्लानिंग के ब्लिंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबडी वांट टू बी। इसमें से क्या पीना पसंद करेंगे आप, बियर, रेड बुल, स्टिंग, कोल्ड ड्रिंक, पानी या सोडा, जो पीना चाहे सब मिलेगा। मिनी बार है हमारे पास, मिनी बार।